सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम आए हैं ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का राइड रिव्यू करने के लिए। इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड हमने कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा इसके राइड पे, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इसमें एंड न्यू सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। तो देखते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है हमें, एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस और नॉट, क्योंकि नई मोटरसाइकिल है और बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। तो क्या आपको ये मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए या नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इंस्टाग्राम पे आपने हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आईडी आपके सामने है, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। आपको भी रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, टेस्ट राइड करनी है, इंक्वायरी है या फिर बुकिंग है, तो आप शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विद द वॉक अराउंड। मैं सबसे पहले आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। हंटर 350 विल कॉस्ट यू अराउंड ₹1,50,000 एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट एंड गोज अप टू ₹1,69,000 एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट। इसमें आपको मिलते हैं दो वेरिएंट्स, फर्स्ट वन इज रेट्रो एंड दिस वन इज मेट्रो। एंड मेट्रो में भी आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट वन इज प्लेन कलर एंड दिस वन इज डुअल टोन। सो दिस इज द टॉप वेरिएंट एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड ₹1,69,000 एक्स शोरूम। तो ये थी प्राइस की बात। एंड अब इसमें हम कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो इसमें आपको मिलते हैं टोटल 6 कलर ऑप्शंस मेट्रो वेरिएंट में एंड 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको रेट्रो वेरिएंट में। आप हमारा डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू चेक करिए, उसमें हमने सारे कलर ऑप्शंस बता रखे हैं आपको कौन कौन से कलर मिलते हैं। तो ये थी प्राइस, वेरिएंट्स एंड कलर की बात। अब इसकी एक जनरल हम लोग अपीयरेंस की बात करते हैं, तो काफ़ी शानदार लग रही है मोटरसाइकिल और बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी छोटी सी मोटरसाइकिल है। रोडस्टर अपीयरेंस है इसकी, नेकेड टाइप मोटरसाइकिल है और काफ़ी छोटी सी है, टायर साइज़ भी छोटे हैं एंड बिल्कुल भरी भरी सी मोटरसाइकिल है, तो काफ़ी अच्छा अपीयरेंस मिल रहा है। अब स्टार्ट करते हैं, क्विक वॉक अराउंड करते हैं इसका। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट में। यहाँ पे आपको मिल जाती है मल्टी रिफ्लेक्टर क्लियर लेंस टाइप हेडलैम्प, हेलोजन सेटअप है, यहाँ आरी का लोगो है एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है एक छोटा सा पायलट लैम्प। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन मिलते हैं ब्लैक आउट फिनिश में और इसकी भी कवरिंग यहाँ पे ब्लैक आउट फिनिश में मिलती है। फ्रंट सस्पेंशन यहाँ मिल जाते हैं विद फोक गेटर्स एज ए स्टैंडर्ड, तो ये काफ़ी अच्छा है। मडगार्ड काफ़ी अच्छा है फ्रंट का, फाइबर फिनिश में है बट ये छोटा सा मडगार्ड काफ़ी अच्छा अपीयरेंस देता है और इससे जो टायर है वो काफ़ी एक्सपोज्ड दिखता है। टायर साइज़ की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है टायर साइज़। तो यहाँ पे आपको मिलता है 17 इंच का व्हील, काफ़ी छोटा व्हील है। और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 110/70/17। तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, नई डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स हैं, ब्लैकड आउट अलॉय व्हील्स हैं एंड यहाँ पे छोटी सी माइनर सी डिटेलिंग मिलती है आपको, रॉयल एनफील्ड का लोगो भी मिलता है। सो काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। ब्रेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है फ्रंट में भी डिस्क एंड रियर में डिस्क, एज दिस इज़ द मेट्रो वेरिएंट द टॉप वेरिएंट। तो इसमें आपको मिल जाती है 300 mm की डिस्क एंड डुअल चैनल ABS मिलता है इसमें आपको एज ए स्टैंडर्ड मेट्रो वेरिएंट में। रेट्रो में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और सिंगल डिस्क मिलती है। तो ये थी ब्रेक्स की बात। अभी इसको राइड करेंगे तब इसके ब्रेक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे कि कैसी इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। तो ये थी ब्रेक्स की बात। अब इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1370 mm का व्हील बेस। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है यहाँ पे आपको 150 mm का एंड 800 mm की सीट हाइट मिलती है। तो 800 mm की सीट हाइट है। अभी इसको राइड करेंगे सब, देखते हैं क्या पोस्चर बनता है, क्योंकि छोटी सी मोटरसाइकिल लग रही है बट 800 mm की सीट हाइट दे रखी है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कमिंग टू द चेसी, यहाँ पे बिल्कुल नई फ्रेम पे बनी हुई है मोटरसाइकिल और ट्विन डाउन ट्यूब चेसी है बट इसका वेट थोड़ा सा कम है। अगर हम मेट्रो वेरिएंट के कब वेट की बात करें तो 181 kg वेट है और रेट्रो का है 177 kg। तो क्लासिक और मीटियोर से आपको ऑलमोस्ट 10-12 kg का यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा इसमें। तो नई फ्रेम पे ये मोटरसाइकिल बनाई गई है और इंजन यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम मिलता है जैसा कि मीटियोर में मिलता था, 349cc जे सीरीज़ इंजन है ये। और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 PS ऑफ पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क। बाकी BS6 फ्यूल इंजेक्टेड कंप्लायंस इसमें सभी चीज़ें हैं और ब्लैक आउट फिनिश में इंजन है। किक स्टार्ट नहीं मिलता है एंड यहाँ पे ब्रेक लीवर काफ़ी अच्छा ऑफ रोडिंग इंस्पायर्ड यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर मिलता है। फुट रेस्ट काफ़ी अच्छे हैं
कमिंग टू द टैंक, ऑल न्यू टैंक, यहाँ पे बिल्कुल नई डिज़ाइन का टैंक मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 13 लीटर की एंड दिस इज़ द रीबेल ब्लैक कलर। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन मिलता है, सिल्वर एंड ब्लैक, और यहाँ पे जो नियॉन थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है नियॉन येलो कलर की, काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्यूल लिड ओपनर यहाँ पे क्रोम फिनिश में मिलता है, मिटियोर से इंस्पायर्ड फ्यूल लिड ओपनर है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, एक यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलती है, इसमें आपको टाइम मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, फ्यूल गेज है, प्लस यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाते हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पे आपको स्विच मिलता है, इससे आप चेंज कर सकते हैं ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, न्यूट्रल, एबीएस, इग्निशन, बैटरी एंड लो फ्यूल इंडिकेटर, प्लस यहाँ पे आपको एज ए स्टैंडर्ड ट्रिपल नेविगेशन मिलेगा इन फ्यूचर, अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से कंपनी ने इसको अभी नहीं दिया है इसमें। तो ये थी बात इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, काफ़ी शानदार लग रहा है। की मैंने नहीं दिखाई थी, एक बार की दिखा देता हूँ। दिस इज़ द ऑल सिंपल वेव की ऑफ हंटर 350, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम हैंडल बार की बात करें तो ये भी बिल्कुल नई डिज़ाइन का हैंडल बार है, थोड़ा फ्लैटिश लग रहा है बट हल्का सा यहाँ पे कर्व दे रखा है, तो एकदम से जो नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल होती है ना उनके जैसा यहाँ पे मुझे इसका हैंडल बार लग रहा है। स्विचेस की फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, मिटियोर से इंस्पायर्ड यहाँ पे आपको स्विचेस मिलते हैं, ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर यहाँ पे बहुत अच्छे प्रीमियम फिनिश में दे रखे हैं, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है मास्टर सिलेंडर, ये भी डिफरेंट है मेट्रो रेट्रो दोनों में, एंड यहाँ पे आपको यूएसबी भी मिल जाता है ऑन द गो चार्ज करने के लिए फ़ोन। सो हियर इज़ द यूएसबी, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ऑन द गो फ़ोन चार्ज करने के लिए यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। ORVM की बात करें तो ब्लैक आउट फिनिश में ORVM है। कमिंग टू द सीट, तो काफ़ी शानदार सीट मिलती है, सिंगल सीट है एंड रिब्ड पैटर्न में सीट मिलती है, काफ़ी चौड़ी सीट है राइडर के लिए और पिलियन दोनों के लिए, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब करने के लिए कुछ फाइबर एलिमेंट, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की छोटी सी डिटेलिंग, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। कमिंग टू द साइड पैनल, यहाँ आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा साइड पैनल लग रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग लग रही है, यहाँ पे ग्लॉसी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैट फिनिश है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा अपीयरेंस मिल रहा है इसकी वजह से। एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको फुली ब्लैक आउट मिलता है और बिल्कुल नया एग्जॉस्ट है, छोटा सा यहाँ पे देखिए स्लीक सा एग्जॉस्ट मिलता है आपको, और काफ़ी अच्छा इसका अपीयरेंस भी लग रहा है और काफ़ी अच्छी इसकी आवाज़ भी है। अभी हम इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे और राइड करते टाइम भी देखेंगे कितना अच्छा यहाँ पे आपको थंप मिलता है हंटर 350 से। नाउ कमिंग टू द रियर टायर, तो रियर टायर भी यहाँ पे आपको 17 इंच का मिलता है बट काफ़ी चौड़ा टायर है, 140x70 17, तो 140 mm चौड़ा टायर है, मज़ा आ जाएगा इसको लीन वीन करने में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलॉय व्हील्स जो कि हैं डिफरेंट डिज़ाइन में एज़ कम्पेयर टू फ्रंट, तो एलॉय व्हील्स हैं ब्लैक आउट फिनिश में, यहाँ पे माइनर सी डिटेलिंग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो 270 mm की डिस्क मिलती है, बाइबर के कैलिपर्स हैं, ABS मिलता है रियर में भी। नाउ कमिंग टू द रियर, सो यहाँ पे आपको मिल जाती है LED टेल लैम्प, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, और टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे हेलोजन मिलते हैं, और ये जो इंटीग्रेटेड सेटअप है पूरा ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। पीछे से एक बार इसका अपीयरेंस दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह का अपीयरेंस है, तो काफ़ी अच्छा अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है ये, एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीछे के मडगार्ड में भी फाइबर यूज़ किया गया है, यहाँ पे कुछ मैट एलिमेंट है, यहाँ पे ग्लॉसी एलिमेंट है, और इस मुझे लगता है ये रिमूवेबल है, तो इसको रिमूव करके आप काफ़ी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, सेल्फ मॉडिफिकेशन। यहाँ पे एक छोटा सा रिफ्लेक्टर मिल जाता है, एंड पीछे का अपीयरेंस काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड मिल जाता है, एक्सपोज्ड चेन है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है, एंड दैट्स इट। तो ये था इसका एक क्विक वॉक अराउंड, मैंने आपको जो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सारी बता दी है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रेट अवे इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, फिर चलते हैं हम इसको राइड करते हैं जो कि मोस्ट अवेटेड थिंग है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतज़ार है इसकी राइड का, तो चलते हैं स्ट्रेट अवे राइड करते हैं इसको। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, इग्निशन ऑन, तो काफ़ी शानदार कुछ इस तरह का इसका एग्जॉस्ट नोट है। अब हम चलते हैं इसका राइड रिव्यू करते हैं और लेट्स गो। सो हम अभी थोड़ा इनर आए हुए थे, इनर साइड में चल रहे हैं हाईवे पे, वहाँ करेंगे इसका
अच्छे से राइड रिव्यू। और इसकी 800 mm सीट हाइट है ना, उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ 800 mm सीट हाइट है। बट ये छोटी छोटी सी लग रही थी मोटरसाइकिल, बट यहाँ देखिए इजीली पैर टच हो रहे हैं नीचे, इधर से कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपकी हाइट अगर 5'8" 5'9" के अराउंड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस बाइक को राइड करने में। अब चलते हैं, इसका राइड रिव्यू करते हैं, लेट्स गो। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। इंजन में जो कैलिब्रेशन में चेंज किया गया है ना, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है ये मोटरसाइकिल पैरों के नीचे से निकल के भाग जाएगी। ऐसा मुझे कॉन्टिनेंटल जीटी में लगता था जब मैं उसको चलाता था, कि एकदम थ्रोटल देते ही ऐसा लगता है जैसे कि भाग जाएगी मोटरसाइकिल, हमें पीछे छोड़ देगी और वो आगे निकल जाएगी। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे इंजन की स्मूथनेस है, इंजन का रिफाइनमेंट है, और काफ़ी शानदार यहाँ पे जो इनिशियल पुश मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब पिकअप बहुत अच्छा है। एंड अगर हम तीनों रेंज की बात करें, इनिशियल रेंज, मिड रेंज एंड टॉप रेंज, काफ़ी शानदार पावर डिलीवरी है। एंड मतलब मिड रेंज के बाद टॉप रेंज में जो टॉर्क जनरेट करती है मोटरसाइकिल वो काफ़ी शानदार है, मज़ा आ जाता है इसको राइड करने में। तो ऑब्वियस सी बात है यार, काफ़ी शानदार यहाँ पे इंजन में चेंज किया है, और क्लासिक 350 और मीडियो 350 से बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस है इस इंजन की। मुझे लग रहा था कि सेम इंजन है, पावर एंड टॉर्क फिगर्स भी सेम है, बट यहाँ पे जो इसकी ट्यूनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी डिफरेंट मिलेगी हंटर 350 की। तो इंजन अच्छा है, शानदार है। हीटिंग की अगर बात करें तो थोड़ी सी हीटिंग कर रहा है इंजन, जो कि नॉर्मल है रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स में, बट एयर एंड ऑयल कूल्ड ये इंजन है ऐसा कहना है रॉयल एनफील्ड का। जे सीरीज इंजन एयर एंड ऑयल कूल्ड ही है सभी मोटरसाइकिल्स में जिसमें आ रहा है, तो होपफुली इतना ज़्यादा मतलब हीटिंग नहीं करेगा ये, बट हाँ हीटिंग थोड़ी सी आएगी इसमें। सो ये थी इंजन की बात, एंड काफ़ी अच्छा इंजन, काफ़ी अच्छा है, और जस्टिफाइड टॉर्क एंड पावर फिगर्स हैं, और इसका वेट थोड़ा सा कम हुआ है मोटरसाइकिल का, उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे पिकअप मिल रहा है हमें, और एकदम छूट के भाग रही है ना जो मोटरसाइकिल, वो भी काफ़ी मतलब अच्छी फीलिंग लग रही है मुझे, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इस मोटरसाइकिल को चलाने में यार, मज़ा आ गया। तो ये थी बात इसके इंजन की। अब इसकी सीटिंग पोजीशन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीटिंग पोजीशन मिल रही है इसमें। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप रॉयल एनफील्ड की कोई बहुत ही अच्छी भारी भरकम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल, इजी टू राइड मोटरसाइकिल है, और आराम से आप इसको लीन वीन कर सकते हैं, आराम से सिटी में चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी इजी यहाँ पे सीटिंग पोजीशन है। हम एक बार इसका यू टर्न लेके देखते हैं। सो यहाँ से यू टर्न लेना भी है, और यू टर्न लेने में भी मतलब इजी, टेक इट इजी मोटरसाइकिल है ये रॉयल एनफील्ड की, और मतलब छोटी सी मोटरसाइकिल है, और जो इसका हैंडल बार है वो भी काफ़ी फ्लैटिश है, और छोटा सा यहाँ पे हैंडल बार मिल रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोजीशन बन रही है इस मोटरसाइकिल को चलाने की, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलने वाला है आपको इस मोटरसाइकिल को चलाने में। तो यहाँ पे अगर सीटिंग की बात करें, सीट की बात करें, तो सीट में भी काफ़ी अच्छा कम्फर्ट है, चौड़ी सीट है, तो इसको आप लंबा भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे लगता है ये, जैसे कि इसका नाम है, इस वेरिएंट का नाम है मेट्रो, तो मुझे लगता है ये अर्बन अपील के हिसाब से मोटरसाइकिल बनाई गई है, सिटी सेंटर्ड मोटरसाइकिल है ये, तो सिटी में चलाने में तो मज़ा आ जाएगा इस मोटरसाइकिल को। आप सिटी में कहीं ट्रैफिक में अगर इसको चलाएंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मोटरसाइकिल को चलाने में, क्योंकि सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे जो टैंक में ये जो कट दे रखे हैं, उसमें आपकी थाई जो एडजस्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, एंड फुट पैग्स थोड़े से पीछे की साइड दे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा है जो ट्राइंगल बनता है ना राइडर का, राइडिंग ट्राइंगल, वो काफ़ी अच्छा है इस मोटरसाइकिल का, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिटिंग पोस्चर बन रहा है, सिटिंग पोजीशन है, लॉन्ग राइड पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो भाई दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, इंजन की बात करी, सीटिंग की बात करी, काफ़ी अच्छी है। अब इसकी बात करते हैं सस्पेंशन की, क्योंकि कंफर्ट तभी मिलेगा जब सस्पेंशन अच्छे होंगे, और सस्पेंशन भी अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं।
मतलब सॉफ्ट एंड स्टिफ दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल है यार, लोग इसको ऑफ रोडिंग भी करेंगे कभी ना कभी या कहीं एडवेंचर पे भी लेके जाएंगे, तो उसके लिए भी इसको तैयार किया गया है, क्योंकि स्टिफनेस मिलेगी तभी आपको ऑफ रोडिंग में मज़ा आएगा। एंड सॉफ्टर सस्पेंशन है थोड़े बहुत, वो आपको सिटी में काम करेंगे तो आपको जर्क महसूस होंगे, ऐसा है नहीं है कि पेतौल पोतौल से आप गुजरेंगे और आपको पता ही नहीं पड़ा, मतलब आएगा आपको जर्क आएगा थोड़ा, और पता भी पड़ेगा कि हाँ यार एकदम किसी से गुजरे पोतौल से। तो सॉफ्ट एंड स्टिफ यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे भी आपको ट्विन सस्पेंशन मिलता है, गैस चार्ज ट्विन सस्पेंशन मिलता है, तो सस्पेंशन भी अच्छे हैं, कंफर्ट आपको अच्छा देंगे वो, बट ऑफ रोडिंग में अलग उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। एंड हाईवे पे अगर चला रहे हैं, सिटी में अलग चला रहे हैं, तो अलग कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थी बात इसकी सस्पेंशन की। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। अब इसके ब्रेक्स की बात करने में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें यूज़ किया गया है लेटेस्ट जनरेशन ऑफ ABS बाय Bosch। Bosch का जो नया लेटेस्ट ABS है ना, वो इसमें यूज़ किया गया है, और इसी वजह से मुझे लगता है काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलने वाली है। तो चलते हैं इसका, सबसे पहले हम फ्रंट ब्रेक अप्लाई करके देखते हैं। ABS भी मिल रहा है आपको डुअल चैनल, और काफ़ी बड़ी डिस्क है, चौड़े और छोटे टायर हैं, तो देखते हैं कैसी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है। थोड़ी सी स्पीड अप करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ब्रेक लगाएंगे। भाई एकदम बैलेंस्ड यहाँ पे ब्रेकिंग है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा लेरा वेरा के मोटरसाइकिल कहीं आपको नहीं ले जाएगी, आपको वहीं रोक देगी। शानदार, अभी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे मैंने ब्रेक लगाए थे एंड बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई वहाँ मोटरसाइकिल। तो आगे का ब्रेक काफ़ी शानदार है भाई। ABS भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो बाइटिंग आ रही है ना ABS की, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से ABS आ रहा है भाई, आपने ब्रेक लगाया और एकदम से ABS आ गया और उसने बिल्कुल, ABS आ रहा है बिल्कुल ग्रेजुअली, धीरे धीरे आराम से आ रहा है, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल रहा है ब्रेकिंग में। तो फ्रंट ब्रेक्स तो हो चुके हैं मेरी तरफ से, ओके टेस्टेड, काफ़ी शानदार हैं। अब एक बार रियर ब्रेक्स लगा के देखते हैं। सो थोड़ी सी स्पीड अप करते हैं। सो रियर ब्रेक्स भी काफ़ी शानदार हैं यहाँ पे। आवाज़ आई होगी आपको थोड़ी सी स्किड, बाकी टायर स्किड नहीं हुआ था, टायर अपनी जगह ही थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा था, इसकी वजह से आवाज़ हो रही थी, बाकी गाड़ी लहराई वहराई नहीं। तो पीछे का भी, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी हमारी यार, 60-70 की स्पीड पे हमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में यार, एकदम स्पोर्टी फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि KTM की हम कोई बाइक चलाते हैं ना, उसमें जैसा फील आता है वैसा तो फील आ रहा है। सो शाम का वक्त हो चुका है, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, और कटवट मारने में भी दिक्कत नहीं होगी भाई, ऐसे निकालना एकदम से कटवट मार के, कोई टेंशन नहीं फील होगी आपको कि यार भारी मोटरसाइकिल है कैसे निकालेंगे, मज़ा आ जाएगा। लीन वीन करने में भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा यार, आगे का टायर है 110 सेक्शन का, 110 सेक्शन का टायर है, पीछे का 140 सेक्शन का, बिल्कुल लिटा के निकालो ना इसको, घूमो मोड़ आया ना कहीं हाईवे पे तो बिल्कुल लिटा दो गाड़ी को, ऐसा यहाँ पे आपको दे रखे हैं टायर्स। तो टायर्स की भी जो ग्रिपिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के टायर्स यूज़ किए गए हैं मेट्रो वेरिएंट में। रेट्रो में थोड़े अलग टायर्स मिलेंगे आपको क्योंकि उसमें स्पोक व्हील्स हैं, वहाँ पे ट्यूब टायर्स हैं, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स हैं, और बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के टायर्स मिल रहे हैं। तो काफ़ी शानदार लगा मुझे हर चीज़ इसमें जो यूज़ की गई है, और ऑसम यार। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करी है रॉयल एनफील्ड ने अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर की, तो 40 किलोमीटर पर लीटर मिल सकती है, 35 तो मिल ही जाएगी, 35 किलोमीटर पर लीटर आपको इजीली इससे फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 114 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड क्लेम की है रॉयल एनफील्ड ने, तो ये सब फिगर्स हैं। सो अब आ जाते हैं कॉन्क्लूजन की तरफ, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, हम रुक के बात करते हैं इस बारे में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शोर आ रहा है, तो हम रुक जाते हैं और कॉन्क्लूजन की बात करते हैं। तो शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, तो मेरा कहना यही है कि काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, न्यू सेगमेंट निकाला है रॉयल एनफील्ड ने, ये रोडस्टर टाइप यहाँ पे मोटरसाइकिल है, नेकेड अपीयरेंस है, काफ़ी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी मोटरसाइकिल है, और एक बार उतर जाते हैं हम, इसको दिखाता हूँ मैं आपको पूरा, देखिए शानदार यार यहाँ पे। अभी आप देखिए थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो लाइट भी काफ़ी अच्छी है इसकी, हेलोजन लाइट है, बाकी इसका थ्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है, और एकदम परफेक्ट सी मोटरसाइकिल लग रही है देखने में, तो यू विल श्योरली गो फॉर दिस।
अगर आपको रॉयल एनफील्ड में अभी तक ऐसा था कि यार क्या परफॉर्मेंस ही नहीं मिलती रॉयल एनफील्ड में, मतलब एकदम इतना पिकअप नहीं मिलता, एकदम पुश नहीं मिलता, तो ये मोटरसाइकिल आपकी सारी कमी दूर कर देगी। और प्राइस रेंज देखो आप, 1.50 लाख से स्टार्ट होके 1.69 लाख एक्स शोरूम पे यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक मिल रही है, और वो भी इतनी शानदार। और मुझे लगता है मेट्रो वेरिएंट है जो, ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिल रही हैं आपको वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी मतलब इस मोटरसाइकिल के साथ जस्टिफाई करती हैं सब चीज़ें जो दे रखी हैं। अलॉय व्हील्स हैं, डुअल चैनल ABS है, डुअल डिस्क है, और ये जो नियॉन एलिमेंट दे रखे हैं, वैसे अलग अलग कलर्स आते हैं, तो काफ़ी शानदार यहाँ पे अपीयरेंस है। अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है TVS की रॉनिन, उसको कंपेयर किया जा रहा है इससे, बट रॉनिन में आपको मिलता है 225cc का इंजन, और वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी है उन्होंने, बट मुझे नहीं लगता कि रॉयल एनफील्ड से वो कम्पीट कर पाएंगे। और ये मोटरसाइकिल काफ़ी शानदार होने वाली है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, और राइडिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो ओवरऑल काफ़ी शानदार मोटरसाइकिल है। एंड मैं बोलता हूँ कि आप इसकी एक बार टेस्ट राइड करिए, मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में। और ख़ास कर ये यंगस्टर्स के लिए मोटरसाइकिल बनाई गई है, जो यूथ है उसको अट्रैक्ट करने के लिए मोटरसाइकिल बनाई गई है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये मोटरसाइकिल्स काम करेगी। क्योंकि अभी से पहले क्या होता था ना, क्लासिक है जैसे कि बुलेट है, वो क्या एकदम ट्रेडिशनल टाइप मोटरसाइकिल थी कि यार एक्सपीरियंस लोग लेते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है जिनको बाइक राइड करने का वो लोग लेते हैं बुलेट को, क्लासिक को। तो ये मोटरसाइकिल बिल्कुल अलग है, ये बिगिनर के लिए है, मतलब आप बिल्कुल नए चलाना सीखे हो तो भी आप इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हो, इतनी ईजी टू हैंडल मोटरसाइकिल है ये, तो यू विल श्योरली गो फॉर दिस। मैं तो आपको बोलूँगा एक बार टेस्ट राइड करो, एंड शानदार मोटरसाइकिल है। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट रॉयल एनफील्ड हंटर 350, और आज हमने इसका डिटेल्ड राइड रिव्यू करा है, वो कराउंड हमने पहले ही कर लिया था, और आगे भी हम इसकी शानदार वीडियोस लेके आएंगे कस्टमाइजेशन के बारे में, एंड आगे लॉन्ग टर्म इसके जो रिव्यूज़ आएंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो दैट्स ऑल विद द हंटर 350 राइड रिव्यू। सो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।